सो वे प्रोटीन, अब लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन स्टीरॉयड है या वे प्रोटीन खाने से ये हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। सो मेरा ये मानना है, अगर आप वे प्रोटीन नहीं खाना चाहते, मतलब अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको लगता है, आपको डर लगता है, आपके घर वाले मना करते हैं, तो आप अपना नॉर्मल डाइट से अपना प्रोटीन पूरा कर लीजिए। आप अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अपना प्रोटीन, बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटीन पूरा करना है हमने अपनी बॉडी का, ठीक है? तो वह वे से भी कर सकते हो, अगर आपका अच्छा बजट है तो आप वे ले लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का वे, पर हाँ ओरिजिनल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि हाँ आपका वे ओरिजिनल हो, आपने किसी ऑथेंटिक प्लेस से, जो ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करे उससे लिया है, ऑथेंटिक डीलर हो आपका, ऑथेंटिक स्टोर हो, स्टोर हो या जहाँ से भी आप ले रहे हो, आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए और आप उनसे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही हो मिले वो आपको गारंटी होनी चाहिए। सो लोगों को लगता है ये स्टीरॉयड है, भाई वे प्रोटीन दूध से बना होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है स्टीरॉयड, अब मैं रहता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें स्टीरॉयड है, फलाना है, ढिमकाना है, पहली बात अगर कोई ऑथेंटिक और ओरिजिनल वे होगा उसमें कोई स्टीरॉयड नहीं होता। हाँ नकली प्रोटीन में लोग स्टीरॉयड डालते हैं जिन्होंने जल्दी रिजल्ट देना होता है, और नकली बहुत है मार्केट में यार, बहुत। वो क्या करते हैं, अलग अलग टैबलेट उसको पीस के उसका पाउडर बना के तो उसको मिक्स कर देते हैं। सो हाँ अगर आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, तो उसमें कभी भी स्टीरॉयड नहीं होगा। तो हाँ नकली में डालते हैं लोग, कुछ भी डाल देते हैं यार, कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं, आटा डाल देते हैं, तो नकली बनाना जिन्होंने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा एंड जो क्या खा आपका रखा ओरिजिनल करे। प्रोटीन होगा उसके ऊपर बकायदा इंपोर्टर की स्टैंप लगी होगी, आप उस पे कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो, उसका बैच नंबर आप कर सकते हो। आजकल स्कैनर्स आते हैं, आप स्कैन कर आजकल सकते बहुत हो सारी अपना चीजें आ गई कॉल है। कर उनको, उनको बैच नंबर दीजिए उनको। आजकल कुछ प्रोटीन्स के ढक्कन खोल के स्कैन के ऊपर आता है, आप उनको मैसेज के साथ साथ आपको रिप्लाई आ जाता है कि जेन्युइन यहीं से चीज़ गई है, एक्सपायरी इसकी कब है, कब ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो आजकल बहुत फैसिलिटी है जो इंडिया दे रहा है, बिकॉज नकली से इतना परेशान है। हमारे पंजाब में ही यार आधे से ज़्यादा तो यहाँ बनता होगा, बाकी आपको पता है दिल्ली में बनता होगा। ये तो हब्स हैं बेसिकली नकली के। सो आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ ऑनलाइन भी और हर जगह भी, कि 200 400 रुपया महंगा ले लीजिए एक स्कूप, मगर आपको 20 10 रुपीज़ का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बट आप ओरिजिनल लीजिए, ऑथेंटिक स्टोर से लीजिए, ताकि आपको पता हो, आपको फील पता चले, डिफरेंस पता चले हमेशा। नॉट गो फॉर चीप। आप हमें बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताइए। लाइक तो आप कर ही दोगे, मुझे पक्का बताओ, सब्सक्राइब भी जरूर करना, और हमें अगर बताइए कि अगली वीडियो हम किस चीज की बनाए, उसका क्या टॉपिक होना चाहिए।